वरना यकीन जानिए इमाम हुसैन खुद आपको माफ नहीं करेंगे, इसलिए कि आपने हमें याद रखा। हमारा मकसद ही भूल गए कि मकसद क्या था। मकसद याद रखना जरूरी, मना हम ही नहीं कर रहे, ये तो कहिएगा बार बार इसलिए कर रहे, मना नहीं कर रहे, लेकिन इतना कीजिए कि इबादत ना छूटे, इतना कीजिए कि इबादत में सहमत ना होने, उसमें रुकावट ना बनने का, दिल खोल के जितना करना है कीजिए। मना कहीं नहीं किया गया, किसी ने मना नहीं किया, या किसी ने मना भी किया हो वो इलाके की वजह से मना किया है, वो किसी न किसी सबब की वजह से मना किया, इशारा इसलिए कर रहे हैं कि है फतवा, लेकिन वो इलाके के हिसाब से, वक्त के हिसाब से कि कहां मना है, किस वक्त मना था, वो एक अलग बहस है, लेकिन किसी और ने मना नहीं किया है कि आप ना कीजिए। जब किसी ने मना नहीं किया तो हमारी क्या जरूरत है कि हम मना कर सके, बस इतना कहना है कि आप लेकिन आजादारी में ये इस बात का भी ख्याल रहे कि वो आजादारी बाजीबाज में रुकावट न बनने ये कहके न बच जाए कि इमाम हुसैन अफजल है कि नमाज अफजल है। देखिए जिसको छोड़ना है आप छोड़ सकते हैं, लेकिन बीच में ये मसला न लाइए कि हुसैन अफजल है कि नमाज अफजल है। आपने देखा है एक ही वक्त में हुसैन में थे नमाज में थी, नहीं पूछे आप एक ही वक्त में पढ़ना है। सलावत पढ़ ले मोहम्मद अली मोहम्मद।